नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं चकते क्रिकेट। चलिए बढ़ते हैं क्रिकेट से जुड़ी आज की प्रमुख 11 खबरों की ओर। केकेआर के प्रमुख खिलाड़ी और वेस्ट इंडियन सुनील नारायण का आज जन्मदिन है। वेस्ट इंडीज के ऑफ स्पिनर सुनील नारायण का जन्म 26 मई 1988 को एक रेस्तरां के टैक्सी ड्राइवर सदीद नरेन के घर में हुआ। उनके पिता ने उनका नाम सुनील इसलिए दिया क्योंकि वे महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के बहुत बड़े फैन थे। सुनील नारायण ने अपना डेब्यू भारत के खिलाफ एक दिवसीय मैच में 5 दिसंबर 2011 को किया था। 2012 से सुनील नारायण आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे प्रमुख सदस्यों में से एक हैं। सुनील नारायण दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं जिसने सुपर ओवर मेडन फेंका। यह कारनामा उन्होंने 17 जुलाई 2014 को कैरेबियन प्रीमियर लीग में किया था। चोटिल रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा फिर से देनी होगी फिटनेस टेस्ट। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने बताया है कि वे भारत में लगे लॉकडाउन से पहले पूरी तरह से फिट हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनके फिटनेस टेस्ट में लगातार विलंब हो रहा है। आपको बता दूं कि रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 श्रृंखला के दौरान 2 फरवरी को चोटिल हो गए थे, जिस कारण दौरे के बीच से ही उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा था। रोहित को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के भी चोट के कारण नहीं चुना गया था। हालांकि बाद में कोरोना के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका का सीरीज रद्द हो गया था। रोहित ने शनिवार रात ला लीगा के फेसबुक लाइव सत्र के दौरान कहा कि लॉकडाउन से पहले वो वापसी के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार थे। पूरा सप्ताह उनका फिटनेस टेस्ट होना था, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया, जिस कारण अब उन्हें फिर नए सिरे से वापसी करनी होगी और फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही वह फिर से टीम के साथ जुड़ सकेंगे। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष ने कहा, क्रिकेट में सलाइवा का उपयोग हमेशा के लिए नहीं हो सकता बंद। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष अनिल कुंबले का मानना है कि गेंद को चमकाने के लिए सलाइवा या लार पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश केवल एक अंतरिम उपाय है। कुंबले ने स्टार स्पोर्ट्स शो क्रिकेट कनेक्ट में बात करते हुए बताया है कि यह केवल एक अंतरिम उपाय है जब तक कुछ महीनों या वर्ष के समय में कोरोना पर नियंत्रण नहीं पा लिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर चीजें 3-4 महीने में समान हो जाती हैं तो ये नियम लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मेडिकल एडवाइजरी में बदलाव नहीं होता तब तक यह नए नियम बने रहेंगे। पठान ने कहा, क्रिकेट के नए नियम के बाद क्रिकेट में रोमांच को बचाना है तो पिच गेंदबाजों के अनुकूल बनानी होगी। आईसीसी की क्रिकेट समिति ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए अंतरिम कदम के तहत सलाइवा या लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। क्रिकेट समिति की सिफारिश के बाद अभी तक कई अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों ने कहा है कि अगर इसका विकल्प नहीं ढूंढा गया तो बल्ले और गेंद का रोमांच टेस्ट मैच में लगभग खत्म हो जाएगा। हाल में इरफान पठान ने पीटीआई से बात करते हुए बताया है कि अगर गेंदबाज ठीक तरह से गेंद को चमका नहीं सकेगा तो गेंद वैज्ञानिक कारणों से हवा को चीर नहीं सकेगी, जिस वजह से गेंदबाज को स्विंग मिलनी बंद हो जाएगी और बल्लेबाज के लिए यह काफी आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले से कई नियम बल्लेबाज के पक्ष में है, ऐसे में यह नियम गेंदबाज को तोड़ देगा, इसलिए यह जरूरी है कि टेस्ट मैचों में पिच गेंदबाजों के अनुकूल बनाई जाए ताकि लार का इस्तेमाल नहीं करने से बल्लेबाजों को मिलने वाले फायदे को खत्म किया जा सके। अब बात प्यार की, जिसमें आज बात करेंगे सचिन और उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर की लव स्टोरी की। सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर ने 24 मई को अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई। सचिन और अंजलि का लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जब इंग्लैंड टूर से लौट रहे थे तब उनकी मुलाकात अंजलि से हुई थी। अंजलि ने तेंदुलकर को एयरपोर्ट पर देखा और शायद वही दिल दे बैठी। बाद में तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए खुद को नकली पत्रकार तक बना दिया। अंजलि और सचिन तेंदुलकर के अफेयर की खबर किसी को कानों कान नहीं चली। 1994 में सचिन तेंदुलकर ने अंजलि से सगाई न्यूजीलैंड में की और फिर 24 मई 1995 को दोनों ने शादी कर ली। बीसीसीआई और आईसीसी में टैक्स को लेकर एक बार फिर से भिड़ंत हुई शुरू। आईसीसी और बीसीसीआई के बीच टैक्स को लेकर एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गई है। दरअसल 2021 में भारत में होने वाले T20 विश्व कप को लेकर 18 महीने पहले भारत को टैक्स में छूट को लेकर अपनी बात रखनी थी, यानी अंतिम तारीख अप्रैल की थी, लेकिन कोरोना के कारण पूरा विश्व इस समय लॉकडाउन में और इसी कारण भारतीय बोर्ड ने 30 जून तक का समय मांगा था। लेकिन कुछ दिन पहले आईसीसी ने एक मेल भेजा है जिसमें तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक आईसीसी बिजनेस कॉरपोरेशन यानी आईबीसी तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर राजी नहीं हुआ है। आईबीसी में आईसीसी के सदस्य देशों के निदेशक होते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ निदेशकों को इसकी जानकारी भी नहीं है। बीसीसीआई के अधिकारी ने बताया कि आईसीसी के वकील जोनाथन हाल ने लिखा है कि आईबीसी ने बीसीसीआई की अपील को खारिज कर दिया है। अब सवाल यह है कि बोर्ड के बिना देखे और इसके लिए वोटिंग हुए बिना यह हुआ कैसे। उम्मीद है कि सौरभ गांगुली इसका माकूल जवाब जरूर देंगे।
धवन ने बताया उनकी सबसे बेहतरीन पारी कौन सी है। भारतीय टीम का सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन में अपने सबसे पसंदीदा पारी पर बात करते हुए बताया कि उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में बनाया गया 187 रन उनकी अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पारी है। आपको बता दें कि धवन ने टेस्ट में डेब्यू 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में किया था, जिसमें उन्होंने 174 गेंदों में 187 रन बनाए थे। बेहतरीन फील्डर सुरेश रैना ने बताया उनकी नजर में कौन है सबसे अच्छा फील्डर। क्रिकेट की दुनिया में बेहतरीन फील्डरों में से एक सुरेश रैना अजिंक्य रहाणे को अपना पसंदीदा फील्डर बताते हैं। स्पोर्ट्स स्क्रीन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान रैना से पूछा गया कि उनकी राय में मौजूदा टीम इंडिया में बेस्ट फील्डर कौन है। जवाब देते हुए रैना ने कहा कि अजिंक्य रहाणे की कैचिंग स्किल वो बहुत प्रभावित करती है, उनकी कैचिंग स्किल्स और फील्डिंग के दौरान बॉडी लैंग्वेज बेहद शानदार है। रैना ने कहा कि वो बेहतरीन स्लिप फील्डर है जो बल्लेबाज के मूवमेंट को देखकर गेंद की दिशा का अंदाजा लगा लेते हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि स्लिप फील्डर बल्लेबाज से ज्यादा दूर नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने माना इस साल T20 विश्व कप होना मुश्किल। कोरोना के कारण इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि 28 मई को ICC की क्रिकेट समिति अपने बैठक में इस पर बड़ा निर्णय ले सकती है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर ने कहा कि उन्हें लगता है कि T20 विश्व कप अक्टूबर में योजना के अनुसार आयोजित नहीं हो पाएगा और इसे अक्टूबर या नवंबर में कराना शायद सही भी ना हो। टेलर ने साथ ही यह भी कहा कि अगर वर्ल्ड कप नहीं होता है और उसकी जगह IPL होता है तो ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड अपने खिलाड़ियों को इजाजत देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भविष्य के लिए BCCI को खुश रखना जरूर चाहेगा। क्रिकेट खेलने सोनीपत पहुंचे मनोज तिवारी की जमकर हो रही आलोचना। BJP नेता और सांसद मनोज तिवारी लॉकडाउन के बीच क्रिकेट खेलने हरियाणा के सोनीपत पहुंच गए। क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने खुद एक वीडियो ट्वीट किया है, लेकिन मैच से पहले और बाद की और भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसमें वे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया, इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। इसके अलावा यह भी सवाल उठ रहा है कि जब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील था तो वे सोनीपत पहुंचे कैसे। जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी वेस्टइंडीज टीम। मिल रही खबर के अनुसार वेस्टइंडीज की टीम 8 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। वेस्टइंडीज के CEO जॉनी ग्रेव्स ने कहा कि दोनों बोर्ड्स के बीच अभी फाइनल बातचीत चल रही है, ऐसे में टीम जून के महीने में इंग्लैंड के लिए रवाना हो सकती है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 8 जुलाई से होगी। इससे पहले 4 जून से इसके आयोजन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए अब इसे जुलाई तक शिफ्ट कर दिया गया है। अब आज का सवाल, मनोज तिवारी का लॉकडाउन के दौरान हरियाणा जाकर क्रिकेट खेलना सही है या गलत, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे हैं चक द क्रिकेट। क्रिकेट से जुड़ी जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।